जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए दिए निर्देश। बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने गए एक आदमी को दलालों ने दौड़ा कर पीटा, मामले का महापौर ने लिया संज्ञान, कहा नगर निगम परिसर में नहीं बनने देंगे अराजक तत्वों का अड्डा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, कहा शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे निजीकरण की लड़ाई, चाहे जाना पड़े जेल। अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। रेलवे में लंबित पदोन्नति का तत्काल क्रियान्वयन किए जाने सहित कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना, पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 5 बाइकों के साथ 2 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में, एसपी सिटी ने किया खुलासा। शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का दिया निर्देश। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला 6 रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। गोरखपुर छावनी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे भूमिगत रास्ता बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैश्विक संदर्भ में उद्यमिता संवर्धन मुद्दे पर और चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को हुआ समापन। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की लगभग 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तुलसीदास इंटर कॉलेज में हुआ पूरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा शैक्षिक मेले का जिला विकास अधिकारी ने फीता काट कर किया अवलोकन। ट्रायंगल सीरीज T20 क्रिकेट मैच में नेपाल ए ने नासा KS टैलेंट को 7 विकेटों से हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने रॉयल उद्यान को 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की।